दोस्तों, मैं आपको खबर देनी थी। आपको शायद पता होगा कि एक क्रिश्चियन वुमन आसिया बीबी थी पाकिस्तान में, जो उनको अगेंस्ट केस वाला चला और काफ़ी मुश्किलात में उनको वहाँ से उनको रिलीफ मिली। और अभी कल न्यूज़ आई है कि वो कनाडा में पहुँच गई हैं। आसिया बीबी कनाडा में पहुँच गई, तो उनके लिए अच्छी खबर है। जो किसी और भी कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई रेफ्यूजी अप्लाई करते हैं और उनको कोई जान माल का ख़तरा है बेस्ड ऑन रिलीजन अपने अपने मुल्क में, तो कनाडा में उनके लिए रेफ्यूजी अप्लाई करने का रास्ता खुला हुआ है। आसिया बीबी नाम है इनका, आप पढ़ सकते हैं, सीबीसी न्यूज़ में डाला हुआ है इन्होंने, मई 8, कल कल डाली है न्यूज़। ये हैं आसिया बीबी और इनको 8 साल रही हैं डेथ रो पे फॉर ब्लास्फेमी। अब ये कनाडा में पहुंच चुकी हैं और कल ये पहुंच चुकी हैं। इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब भी कुछ ज़्यादा कह नहीं रहे, क्योंकि प्राइवेसी इशू के बारे में कह नहीं सकते वो कहाँ हैं, किधर रहेंगी, कैसे उनकी, शायद उनकी आइडेंटिटी चेंज करके रहें या जो भी हो। तो आसिया बीबी पहुंच चुकी हैं कनाडा। मैं आपको एक खबर देना चाहता था जिसको पता नहीं हो, फॉर जस्ट इन केस। और ये सीबीसी न्यूज़ पे है, आप देख सकते हैं इस सीबीसी.ca पे। ऑलराइट, थैंक यू।